वालेकुम स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर और पहले ही हम टाइप देख रहे थे रिवर्सिबल इनहिबिटर की, कंपेटिटिव इनहिबिटर उसकी एग्जांपल हम पढ़ रहे थे। एग्जांपल में हमने कहा था एंजाइम सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है, सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड है और प्रोडक्ट क्या है, फ्यूमरिक एसिड। अभी तक हमने इनहिबिटर की बात नहीं की, अब इनहिबिटर की बात करते हैं। एक दफ़ा दोबारा एंजाइम को ड्रा कर लें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ जी, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीसरा बॉक्स इनसाइड, बॉक्स नंबर फोर, और ये बन गया जी हमारे पास एंजाइम। ठीक है, वही एंजाइम बन गया जी, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब आपने मुझे बता देना है जल्दी जल्दी से देख के, हाँ जी बेटा बताएं भाई, जो हमने इसका सब्सट्रेट लगाया था सक्सिनिक एसिड, मैं सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, मैं ज़रा सक्सिनिक एसिड को भी यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये है जी हमारे पास सक्सिनिक एसिड, लेकिन ये सक्सिनिक एसिड तो नहीं है। क्यों नहीं है सक्सिनिक एसिड, खुद देखें, उसमें चार कार्बन थे, इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन। लेकिन अगर हम बाजारी तौर पर देखें तो दोनों की शेप एक जैसी है, लेकिन केमिकली डिफरेंट है। उसमें चार कार्बन थे, इसमें क्या थे, तीन कार्बन। अब ये अंदर आके फिट तो हो गया है क्योंकि शेप मिलती थी, लेकिन कैटालिटिक साइड को धोखा नहीं दे पा रहा, क्योंकि कैटालिटिक साइड तो दो हाइड्रोजन उतारती थी और यहाँ पर सिर्फ कितना हाइड्रोजन है, ऊपर एक हाइड्रोजन है। ये जो चीज़ आकर लगी है ये क्या है, मेलोनिक एसिड। ये क्या है, मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड की शेप किससे मिलती है, ओरिजिनल सब्सट्रेट के साथ। ओरिजिनल सब्सट्रेट कौन सा था जी, सक्सिनिक एसिड। यानी मेलोनिक एसिड ने इस बात का फायदा उठाया है कि उसकी शेप किसके साथ मिलती है, सक्सिनिक एसिड के साथ, और वो किस एंजाइम पर आके लग गया है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज में, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रोडक्ट में कन्वर्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ऊपर दो हाइड्रोजन चाहिए थे, यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, एक। तो मेलोनिक एसिड ने इस बात का फायदा उठाया कि मेरी शेप सक्सिनिक एसिड के साथ मिलती है, बाइंडिंग साइड को तो धोखा दे लिया लेकिन कैटालिटिक साइड को धोखा नहीं दे सका। अब मैं लास्ट चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, बेटा ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन सा है। कंपेरेटिव इनहिबिटर है यहाँ पे जी मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास एंजाइम था कौन सा, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, उसका नॉर्मल सब्सट्रेट था सक्सिनिक एसिड चार कार्बन वाला, और प्रोडक्ट बनता था फ्यूमरिक एसिड। लेकिन एक दुश्मन आ गया है, दुश्मन कौन सा है जी, कंपेरेटिव इनहिबिटर कौन सा है, मेलोनिक एसिड। और उसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि उसकी शेप किसके साथ मिलती है, सक्सिनिक एसिड के साथ, और वो किसके साथ जाके लग गया, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के साथ। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की बाइंडिंग साइड को तो उसने धोखा दे लिया लेकिन कैटालिटिक साइड को धोखा नहीं दे सका। अब ये तो एग्जांपल थी आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपने बनानी ज़रूर है, ज़रूर दो दफ़ा बनानी है। अब अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपने कहना सर हम ये बनाने बैठ गए, तो पूरे पेपर में तो यही बनेगी बस। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ताकि अगर आप पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसकी एग्जाम्पल आप किस तरीके से मैंशन करेंगे। वो कहता है जी मेलोनिक एसिड एक्ट एज अ कंपेटिटिव इनहिबिटर, किस एंजाइम के लिए, मेलोनिक एसिड एक्ट एज अ कंपेटिटिव इनहिबिटर फॉर एंजाइम सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी, किसके साथ सिमिलैरिटी रखता था, ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट था भी जो ओरिजिनल था, विद द सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड। तो ये बच्चे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट खत्म हो गया जी, कंपेरेटिव इनहिबिटर। साथ ही हम दूसरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, वो इजी है बिल्कुल, ये इसे ना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये लाजमी तौर पर आपने स्टेटमेंट नोट कर लेनी है।
दूसरी टाइप आ जाती है जी हमारे पास नॉन कंपेटिटिव। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहता है जी, ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस डिफरेंस विद द सबस्ट्रेट, कहता है क्योंकि इसकी शेप सबस्ट्रेट से क्या थी, डिफरेंट थी, क्योंकि इसकी शेप सबस्ट्रेट से क्या थी, डिफरेंट थी, दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कंप्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है जी एंजाइम, ये है जी इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट और ये है जी इनहिबिटर। अब इनहिबिटर चाहे भी तो एक्टिव साइट पर नहीं लग सकता क्योंकि उसकी शेप बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या करता है, वो एक्टिव साइट पर नहीं लगता, वो एंजाइम के साथ जोड़ बनाता है लेकिन किसी और पॉइंट पे, ठीक है, वो एंजाइम के साथ किसी और पॉइंट पर आकर जुड़ जाता है लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, कहता है अंटिल द इनहिबिटर इज अटैच्ड टू एंजाइम नो कैटालाइजेस विल अकर। कहता है जब तक ये जुड़ा हुआ है ना, बेशक एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ा हुआ, किसी और पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तक ये जुड़ा हुआ है, अगर असल सबस्ट्रेट आके यहाँ पे लग भी जाए तब भी कैटालाइजिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल छोटी सी लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट वाइज, उसकी डिटेल हमें नहीं करनी, सिर्फ वो लिख लें कि अगर डिफरेंस आ जाता है दोनों का तो आप दोनों को एग्जाम्पल लिख सकें। इसकी एग्जाम्पल हाई लेवल की एग्जाम्पल है, यानी मास्टर्स में एग्जाम्पल दी जाती है, लेकिन आप लोग लिख लें ताकि आप डिफरेंस कर सकें इसका। कहता है जी फॉर एग्जाम्पल एलानिन, एलानिन बच्चे एक अमीनो एसिड है, एलानिन अमीनो, इसमें आप ब्रैकेट में लिख लें साथ अमीनो एसिड एक्ट एज अ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर फॉर एंजाइम पायरोविक काइनेज। कहता है एक एंजाइम है जिसका नेम क्या है, पायरोविक काइनेज, उसके लिए एलानिन किसके तौर पर काम करता है, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर के तौर पे। तो बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर भी खत्म हो गई, अब मैं इसको रिकॉल करता हूँ, बहुत अच्छे से सुनना है आपने, ठीक है। इसे हमने रिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में कहा था, रिवर्सिबल वो हैं जिनके इफेक्ट को आप खत्म कर सकते हैं। हमने कहा जिसकी दो टाइप हैं, कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव वर्ड निकला है जी कंपटीशन से, कहाँ से निकला है, कंपटीशन से। तो कंपटीशन किसके दरमियान, कंपटीशन जी किसके दरमियान, कंपटीशन होता है जी किसके दरमियान, मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान, दोनों चाह रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर लग जाएं, ठीक है। तो एक एंजाइम की टाइप है, एक इनहिबिटर की टाइप है हमारे पास कंपेटिटिव और दूसरी है नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव बच्चे वो होता है जिसकी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर होती है, वो धोखा दे देता है, किसको धोखा दे देता है, बाइंडिंग साइट को, लेकिन कैटालिटिक साइट को धोखा नहीं दे पाता। कंपेटिटिव इनहिबिटर अब इस बात का फायदा उठाता है कि उसकी शेप सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर है, वो आकर एक्टिव साइट पर लग जाता है, बाइंडिंग साइट को धोखा दे देता है लेकिन कैटालिटिक साइट को धोखा नहीं दे पाता। मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की जी, एक एंजाइम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जिसका सबस्ट्रेट है जी सक्सिनिक एसिड, जिसका प्रोडक्ट है जी फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। अब एक इनहिबिटर, एक दुश्मन आ जाता है, कौन सा, मेलोनिक एसिड, कौन सा, मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड इस बात का फायदा उठाता है कि उसकी शेप किसके साथ सिमिलर थी,
किसके साथ सिमिलर थी? सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट का नेम क्या था? सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक सिर्फ फर्क इतना था, सक्सीनिक एसिड चार कार्बन वाला था, वो तीन कार्बन वाला था। वो आकर एंजाइम सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज के साथ लग तो जाता है लेकिन कैटालाइजिस नहीं होती। दूसरी टाइप है जी हमारे पास नॉन कम्पेटिटिव। नॉन कम्पेटिटिव तो ये है ना कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप ही डिफरेंस है, वो चाहे भी तो नहीं लग सकता, चाहे भी तो एक्टिव साइट पर नहीं लग सकते, यानी कंपटीशन नहीं है। ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंस विद द सबस्ट्रेट दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। लेकिन वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ना खेलना है ना खेलने देना है, तो वो एक्टिव साइट पर तो नहीं लगता लेकिन किसी और जगह पर लगता है। लेकिन जब तक ये लगा हुआ है इनहिबिटर, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक मैंने आउट ऑफ कोर्स एग्जांपल दिया आपको, एलानिन जो कि एक अमीनो एसिड है, वो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर है किस एंजाइम का? पायरुविक काइनेज का। बच्चे हमारे पास एंजाइम वाला चैप्टर ओवर हो गया है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बुध वाले दिन इसके सेकंड हाफ का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।